नमस्कार भैया बहनी, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। बुलेटिन के पहली खबर है सतना से, जहां के रामपुर में एक कार्यक्रम में पहुंची डांसर सपना चौधरी के अचानक प्रोग्राम के दौरान तबियत खराब हो गया। अपने बताया दें कि अचानक से हुए वाले पेटे में दर्द के कारण उनका सतना से डॉक्टर SGMH खातिर रेफर कर दिए रहे हैं, जहां वार्ड नंबर 7 में इनका इलाज किएगा। अपने बताया दें कि इलाज के समय कुछ घंटा के बाद उनका आराम मिलेगा, तो डॉक्टर उनका छुट्टी दे दी, जाने के बाद वो जबलपुर खातिर रवाना हो गई, जहाँ से फ्लाइट से हरियाणा पहुंची हैं। वह जानकारी लगी कि सपना चौधरी 6 बजे संजय गांधी अस्पताल से रवाना हो गई है। बतावा जाता है कि अब वो पूरी तरीका से स्वस्थ है। बुलेटिन की अगली खबर रीवा से है, जहां अग्रवाल समाज नेत्रदान संकल्प के पत्र भरवाई। अब बता दें कि कार्यक्रम में ही सुनील अग्रवाल पहुंचे, जो उनके पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। आई अपनों को सुनाई थे सुनील अग्रवाल के बारे में, कौन मिट के जानकारी दे ला हम। नेत्रदान संकल्प का भी यहाँ पर काम जारी है, अभी तक करीब आधा दर्जन लोगों ने नेत्रदान करने का संकल्प किया है। मरणोपरांत कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। नेत्रदान में आंखें नहीं निकलती, बस एक कार्नी का छोटा सा पार्ट निकाला जाता है और वो पता भी नहीं चलता है कि नेत्रदान किया जाए कि नहीं किया। मतलब कि 6 घंटे के अंदर नेत्रदान किया करना चाहिए। नेत्रदान एक बहुत बड़ा दान है, कम से कम मरने के बाद भी हमारी आंखों से कोई दुनिया देख रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगली खबर रीवा से रही, जहां मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनिट MPMSRU क्रिकेट प्रतियोगिता MRPL के 7वें संस्करण के फाइनल मैच NCC ग्राउंड में आयोजित की इनका हवाई। प्रतियोगिता में ही 4 टीम भाग ले रही, जो ने मां टूर्नामेंट में अच्छा खेल दिखाए के टीम चिरहुला और टीम बोदाबाग फाइनल में प्रवेश करी। वहीं फाइनल में ही बेहतरीन प्रदर्शन के लाने चिंटू का मैन ऑफ द मैच पुरस्कार मिला, ता मैन ऑफ द सीरीज के खिताब ब्रिजेश सिंह पाइन। अपना बताई दे कि बेहतरीन बल्लेबाजी के लाने बेस्ट बैट्समैन के खिताब मनीष दुबे का मिला। इसका आयोजन किया गया था, ये भैया हम लोग जो मेडिकल के जो यूनियन है उन्हें पिछले 7 सालों से उपक्रम कराते आ रहे हैं, इसमें MRPL नाम है, 7वां संस्करण है। तो इस बार अपना 23 तारीख शुरू हुआ था, आज का फाइनल था। टोटल 4 टीमें थी, टीम गौरव, टीम विकास, टीम रहे और टीम, तो टीम गौरव और टीम विजय, टीम विकास की दोनों लीग में बाहर हो गए। फाइनल हुआ था टीम विजेश का, अच्छा पार्टी टोटल था और आज भी विजेता हुई टीम। ये था ये हम लोग जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये नॉर्मल टुगेदर हो जाता है आपस में, नए लगे आते हैं कम से कम सीनियर के साथ अटैचमेंट हो जाता है। खबर रीवा के बिछिया थाना के चिरहुला कॉलोनी से रही, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब सड़क के किनारे ऑटो में एक युवक के शव देखा गया है। वहां स्थानीय लोग ये मामला में ही पुलिस का जानकारी दी, तब मौके पर पुलिस पहुंच के शव के पंचनामा बनाई और पोस्टमार्टम खातिर अस्पताल भिजवाई दी। नहीं भाई, अपने बताई कि युवक के शव आधा ऑटो में था, आधा नाली में झूलत रहा, युवक के सिर नाली में डूबा रहा है। फिलहाल अब तक मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पावा है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आए के बाद युवक के मौत के कारण के खुलासा हो पाई। अभी ये सूचना आई है जिसमें बिछिया थाने की टीम गई है और उसके पंचनामा बनाकर और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। विवेचना के बाद जो तथ्य आते हैं वो आपको अवगत कराए जाएंगे। अभी विवेचना अभी हुई है, अभी प्राथमिक कार्यवाही चालू हुई है। प्राथमिक कार्यवाही में लाश को जो है डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। बुलेटिन की अगली खबर सतना से रही, जहाँ यूक्रेन में डॉक्टरी के पढ़ाई करे वाले फ्रेंड्स कॉलोनी सतना के रहने वाले भाई ऋषभ श्रीवास्तव और बहनी वैशाली श्रीवास्तव भारत सरकार के भेजे विशेष विमान से शुक्रवार का ही दिल्ली पहुंचे, जहां शनिवार का उस सतना पहुंच चुके हैं। सतना पहुंचे के बाद सांसद गणेश सिंह दोनों से मुलाकात करें। दोनों भाई बहनी यूक्रेन के खारकीव के मेडिकल कॉलेज में 2017 से पढ़त रहे हम। इंडिया के झंडे को लेके और हमें बहुत अच्छा लगता है, हम भारतीय हैं, हमें गर्व है। साहब ये आपकी सरकार मोदी साहब के कारण आए वापसी बात झंडा दिखा हमारे प्रधानमंत्री की सबसे बड़ा योगदान माननीय सांसद जी का और हमारे देश के प्रधानमंत्री का।
अलगे से विंध्य प्रदेश के मांग के लड़ाई लड़े वाले मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी रीवा पहुंचे, जहां सिंधु भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान त्रिपाठी कहीं के अलग से विंध्य प्रदेश की लड़ाई लड़ी जा रही है, जो उनके लंबे समय से जारी है। वह 2023 के चुनाव में ही विंध्य के लोग अपन ताकत देख ही, और अगर वो सफल भे तो साल 2023 और 24 के बीच में ही विंध्य प्रदेश के गठन हो जाये। अपना को बताई दी कि आयोजित कार्यक्रम में ही बड़ी संख्या में लोग उपस्थित है। आई अपना को सुनाई थे आवे वाले 2023 के चुनाव और अलग से विंध्य प्रदेश के मांग कलय के नारायण त्रिपाठी का कुछ कह रहे हम। थाना से रही, जहां ग्राम पंचायत परासी माही 5 और 6 तारीख के दरमियानी रात माही चोर घरे के पीछे से सेंध लगाए के रमा निवास उपाध्याय के घरे में घुस गए, जहां से झुमका मंगलसूत्र पायल चावल 70 किलो सहित करीब 2 लाख के सामान चोरी कर ले गए। वही मामला की रिपोर्ट गढ़ थाना में दर्ज कराई गई है। पुलिस मौका में पहुंच के आसपास के तलाश करी। अपने बताया कि यहां आसपास में अरहर के खेत में एक साड़ी मिली है, जोने में शंका जताई जा रही है कि चोर भेष बदल के सेंधमारी करके घटना का अंजाम दी नहीं है। यह घटना प्रशासन खातिर खुली चुनौती साबित हो रही है। ना बताइए बस लाइट बढ़ा ले, ये बड़ा है हवला है। ये नहीं गिराई। ये नहीं तम भरी है वो अदर अम्मा रहा है तो क्या हो। पापा तो हट इन सका नहीं कर रहा। निवासी बराची थाना का। आज आप करथानी क्यों आए हैं? आज रात जो है 11 बजे तो तब जागे तब छुट नहीं था। सवेरे जब उठे थे हमारे घर में दक्षिण साइड में सेंध कर दिए, और जब देखे वहाँ तो वहाँ पर जितना बर्तन था वो सब जो है तो खराब पड़ा हुआ था। 2 डब्बा में चावल था, एक डब्बा के तो चावल भर ली पूरा, और जब दूसरे डब्बा में वह करी तो वो पुटकी में एक मंगल सूट और एक झुमका रहा, झुमका के हुंडी टूटी रही तो पता नहीं वही मकार गिर रही। तो जब ओका उड़ी नहीं तो चौरवा बिखराए दी नहीं ओका लाइए। हाँ अगली खबर रीवा से रही, जहां चोराटा थाना प्रभारी विद्यावारी तिवारी का लाइन अटैच कई दिन गह भाई। अपना बताई कि यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन करीन। अपने कार्यकलापन खातिर चर्चित निरीक्षक विद्यावारी तिवारी एक दर की पुन के लाइन अटैच कई दिन के हम। अपना बताई रही कि कार्रवाई के कारण हवाई के थाना क्षेत्र में ही अपराधन में रोक नहीं लग पावल ला गया, साथ है शहर में हो वाले चोरी और लूट के रिकवरी उस जीरो पाई गई है। अपने कर्तव्य के लाने उदासीनता और अपराधन के पतासाजी में अरुचि होए के चलते पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन थाना प्रभारी चोराटा विद्यावारी तिवारी का तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दी है। अपने बताया गई कि रीवा के साथ साथ सीधी जिला में उनके ऊपर कई दर की वसूली के आरोप लग चुके हैं, लेकिन अपन राजनीतिक पहुँच के चलते वो बार बार थाना हथियावे में सफल हो जात। तो भैया बहनी आज खातिर इतना ही। बघेली में समाचार देखे के लाने देखत रही मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।